नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है साक्षी। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद कैसे जमातियों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां ये जमाती अस्पताल के स्टाफ से लड़ पड़े, बदतमीजी की और दोस्तों वहां की महिला नर्सों पर गंदे गंदे कमेंट किए, इशारे किए और इतना गिर गए वो कि अपनी पतलून खोलकर अस्पताल में घूमने लगे। दोस्तों, ये शर्मनाक वाकया एक बार फिर देखने को मिला है पड़ोसी देश पाकिस्तान में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई में देश दुनिया के डॉक्टर्स इस बीमारी से हमारी रक्षा करने के लिए और इसका इलाज खोजने में लगे पड़े हैं। कोरोना से जारी इस युद्ध में नारी शक्ति का भी बलिदान हमें देखने मिल रहा है। कई महिला नर्स और स्टाफ बिना अपनी फिक्र किए कोरोना के मरीज के इलाज में लगी पड़ी है। लेकिन क्या इन महिलाओं के साथ इज्जत से सुलूक किया जा रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान में जो महिला डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि कुछ पाकिस्तानी वहां की महिला डॉक्टरों और नर्सों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये बदसलूकी दोस्तों उन पर भद्दे कमेंट कर और सेक्स की मांग कर किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए एक ऐप बनाई गई थी जिससे कि जरूरी मदद मुहैया करवाई जा सके। पर दोस्तों, इस ऐप पर मनचले पाकिस्तानी डॉक्टर से गंदी और अश्लील बातें करने को कह रहे हैं। इसकी शिकार हुई एक डॉक्टर बिया अली जैब, उनके साथ हुई बदसलूकी की जानकारी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुश्किल की इस घड़ी में मैंने अपने देश की मदद करने का फैसला लिया। मुझे लगता था कि पाकिस्तानी थोड़े समझदार होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें सिर्फ सेक्स और दोस्ती ही चाहिए। मैंने यह फैसला लिया है कि अब मैं टेलीमेडिसिन में वॉलंटियर का काम नहीं करूंगी। मुझसे जुड़े रहने और शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, इस ट्वीट के साथ बिया ने उन स्क्रीनशॉट्स को भी शेयर किया जिनमें बिया के साथ किस हद तक गिरी हुई बातें की गई थी, ये साफ दिख रहा है। और दोस्तों, इनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि इनका एक पूरा झुंड है। सिर्फ बिया ही नहीं दोस्तों, एक और महिला डॉक्टर सुमैया ने अपना खौफनाक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा, ऑनलाइन परामर्श के 3 दिन के वॉलंटियर में मुझे 14 नंबरों को रिपोर्ट और ब्लॉक करना पड़ा जो सिर्फ अश्लील बातें और सेक्स चाहते थे। हमारे लोग कितना गिर सकते हैं, मुझे ये कभी हैरान नहीं करता। दोस्तों, पाकिस्तान के ये डॉक्टर जो बिना पैसे लिए देश के लिए काम कर रहे हैं, उनसे छेड़छाड़ करना कहा कि सभ्यता है। क्या पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इस मामले पर कुछ करेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।